सो so गाइज अगर आपने इस ऑयल को गारंटी के साथ यूज किया ना होल सेल ऑयल इसको आप लोग घर पे बनाएंगे और इसको कैसे बनाना है बहुत ही मैजिकल है आप लोग बालों की थिकनेस देख सकते हो दिस इज माई वेट हेयर इट ड्राई हेयर नहीं है और आप देख सकते हो इनकी क्वालिटी इनकी थिकनेस और इनकी ग्रोथ बहुत ही गजब का ये हमारा ऑयल है और आप लोग इसको बनाकर स्टार्ट कीजिए बालों की ग्रोथ अल्टीमेट होगी और इतनी होगी कि आप खुश हो वेलकम बैक टू माई रेस्टोरेंट मैं हूं सीमा आप लोग के साथ में आज मैं शेयर कर रही हूं एक बहुत ही बेहतरीन सी एक ऐसा हेयर ऑयल जो कि थिकनेस के लिए स्पेशली बहुत ही ज़्यादा इसको प्रयोग में लिया जाता है अगर आप इसको तीन महीने बालों में यूज़ करते हैं तो आपके बालों की जो थिकनेस है ना बहुत अच्छे से ऑटोमेटिक इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगी बट ये ऑयल वही लोग यूज़ करें उन्हीं लोगों के लिए बेस्ट है जिनके बाल किसी रीजन की वजह से किसी कारण की वजह से किसी डिजीज़ की वजह से किसी प्रॉब्लम की वजह से किसी समस्या की वजह से आपके बाल झड़ गए हैं तो आप इसको कर सकते हैं जिससे कि आपके जो बाल गिर चुके हैं जो बाल झड़ चुके हैं वो चीजें आपकी फिर से अगेन रीग्रोथ हो सके तो आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही बढ़िया ऐसा आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट एक ऐसा आयुर्वेदिक आप लोग के साथ में ये एक औषधि है जो कि आपके गंजे सिर पे भी बाल उगा सकती है अगर बाल आपके बहुत ज़्यादा हैवी थे किसी रीजन की वजह से झड़ चुके हैं तो इस ऑयल को डेफिनेटली अगर आप तीन महीने कंटिन्यू करते हैं ना तो आज की पिक्चर्स और बाद की पिक्चर्स आप सेव कर लीजिएगा और खुद आप डिफरेंस देख सकते हैं ठीक है तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही जबरदस्त और आप लोग कहेंगे तो मैं इस सीरीज का जो मैं ऑयल शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ में इस ऑयल का आप लोग के साथ पूरा सीरीज शेयर करूंगी जिसमें मैं ऑयल बताऊंगी पैक बताऊंगी टोनर रंस वाटर शैम्पू नाइट हेयर पैक टॉनिक सिरम एवरीथिंग इसका पूरा एक प्लेलिस्ट क्रिएट करूंगी रिजल्ट्स बहुत औसम है जब आप इसको यूज में लेंगे तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं डेली विजिस में मेरे चैनल पर आप लोग देखते हैं शॉर्ट वीडियोस जहां पर मैं आप लोग के लिए सभी प्रॉब्लम का सलूशन लेकर के आती हूं दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास में कस्टमाइज प्रोडक्ट अवेलेबल हैं आप चाहें तो उनको परचेज़ कर सकते हैं और आप हमसे वीडियो कंसल्टेशन भी कर सकते हैं दूसरी चीज़ आप हमारी मेंबरशिप भी ले सकते हैं हमने आपके लिए बहुत सारी सर्विसेज अप्लाई करी हुई हैं आप लोग उनको ले सकते हैं रेडी है हमारी सारी चीज़ें आप लोग को जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं कुछ नहीं कर सकते हैं प्रॉब्लम है आपको तो आप क्या करेंगे आपके पास में कोई ऐसा नहीं है कि मतलब आपको कोई मनी दे रहा है या फिर आप वर्किंग नहीं है आप नहीं कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आप घर की चीज़ों को प्रयोग में ले सकते हैं मेरे चैनल पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप खुद से घर पर बना करके प्रयोग में भी ले सकते हैं ठीक है बट क्या है ना शर्तें यहां पर ये है कि करने से होगा करने के बिना आपको कुछ नहीं मिलेगा इसलिए क्या करना है अपना कर्म करना है क्या कर तो आपका कर्म क्या है जो रेमेडीज आपको बताई जा रही हैं, आप उसको जेनवनली फॉलो कीजिए कंसिस्टेंसी में इसको फॉलो करना है कंटिन्यू करना है जब आप करेंगे तो रिजल्ट आएंगे आप नहीं करेंगे आप यहाँ पूछेंगे आप वहाँ पूछेंगे हमें बता दीजिए हमें बता दीजिए आपको कोई नहीं बताएगा क्योंकि करना आपको है प्रॉब्लम आपकी है और इसकी समस्या का हल सिर्फ आपके पास में है कि आपको करना है ठीक है जब आप करेंगे तो आपको रिजल्ट भी दिखना शुरू हो जाएंगे आप सोचेंगे कि मुझे बता दो प्लीज मुझे बता दो आपने आंसर नहीं किया कोई नहीं कर पाएगा इतना है ना तो आपको अपने बारे में खुद से सोचना है आपके लिए हम वीडियोस लेकर आ रहे हैं आप उनको देखें और फॉलो करें जब आप करेंगे तो आपको रिजल्ट ऑटोमेटिक मिलेगा फिर आप अपने फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं जैसे हमारे बहुत सारे मेंबर्स बहुत सारे कस्टमर चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं और रिजल्ट भी मिल रहे हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चीज़ें प्रोडक्ट परचेज नहीं कर सकते जो वीडियो कंसल्टेशन नहीं कर सकते जो मेंबरशिप नहीं ले सकते हैं वो रेमेडीज को फॉलो कर रहे हैं चैनल से और उनको भी रिजल्ट्स मिल रहे हैं मैं आप लोग के साथ में हमेशा फीडबैक इसलिए लगाती हूँ कि आप लोग के साथ में अगर पॉजिटिव फीडबैक्स होंगे जो लोग कर रहे हैं तो आपके अंदर भी एक मोटिवेशन होगी आपको लगेगा कि हाँ जी भाई हमें करना चाहिए ठीक है बाल आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने वाले हैं आपके बालों की खूबसूरती से आपकी खूबसूरती चार चार गुना ज़्यादा बढ़ जाती है ठीक है तो चलिए देख लेते हैं जो हमारा ऑयल है स्पेशल वो कैसे बनाना है और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इसका कंप्लीट प्ले के लिए प्ले सीरीज मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँ तो आप लोग बहुत सारा प्यार दीजिएगा इस वीडियो को उसके बाद से मैं आप लोग के साथ में इसका कंप्लीट प्ले जो है वो शेयर करूंगी ठीक है तो चलिए देख लेते हैं ऑयल कैसे प्रिपेयर करना है उसके बाद मिलते हैं सो so गैस चलते हैं ऑयल बनाने के प्रोसेस पे तो मैं यहाँ पर बेस ऑयल में यूज़ कर करी हूँ फ्लैक्सीड ऑयल ठीक है अभी मैंने यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स रेडी किए थे बहुत सारे ऑर्डर थे तो ये मैंने उसमें चीज़ें पीसी थी ग्राइंड करी थी जो चीज़ें पीस करके बनती हैं ठीक है थीके? तो वही ग्राइंडर है फिर उसके बाद मैंने डाल दी इसमें दालचीनी उसके बाद से हॉस्टेल आपकी ये स्टिक्स आती हैं वो देनी है आपको बहुत ही बढ़िया होती हैं बालों के थिकनेस के लिए लिंक प्रोवाइड करा दूँगी और आप लोग परचेज़ कर लीजिएगा ठीक है स्पेशली थिकनेस के लिए आपके बाल बहुत हैवी हो जाएंगे आप तीन महीने बाद मेरे बालों का भी रिजल्ट देखिएगा ठीक है मैं अपने बालों में कोई गेम नहीं करती हूँ इसलिए मैं कोई कमी नहीं करती हूँ आप यहाँ पर कोई भी तेल ले सकते हैं बेस ऑयल में ठीक है उसके बाद मैंने डाला रोज मेरी उसके बाद एक आधा चम्मच के करीब हम डालेंगे काली मिर्च ब्लैक कैस्ट्रोइल डाल देंगे सारी चीज़ों को ब्लेंडर में डाल करके ब्लेंड कर लेंगे ब्लेंड करने के बाद से ये तेल मैं ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि ये तेल मुझे काफ़ी पसंद आया तो इस तेल को मैं ज़्यादा बना रही हूँ ठीक है पाँच सौ एम एल के करीब तो यहाँ पर मैं जो तेल है ना थोड़ा सा इसमें से निकाल करके अलग दूसरे बर्तन में बॉयल करूँगी दूसरे बर्तन में बनाऊँगी कोई भी ऑयल अगर आप बना रहे ना उसको डबल बॉलर प्रोसेस से बनाएं जिससे कि उसकी गुडनेस हमेशा बरकरार रहे ख़राब ना हो तो अब यहाँ पर तेल को मैंने थोड़ा सा अलग कर लिया है और दूसरे पैन में जब मैं तेल रखूँगी तो वो भी मैं आप लोग को शो कर दूँगी ये तेल मुझे इतना पसंद आया कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती हूँ आप लोग भी इस तेल को बना यूज़ करें रिज़ल्ट इसके इतने अच्छे इतने अच्छे हैं कि इसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतना ही कम है बहुत सारे लोग बोलते हैं लिंक दे दीजिए हॉस्टेल ऑयल का लिंक दे दीजिए लिंक दे दीजिए लिंक नहीं है यहाँ पर ये तेल आपको खुद से घर पे बनाना है ठीक है मैं किसी भी ब्रांड पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं करती हूँ इसलिए मैं खुद से बना रही हूँ जब चीज़ें हमारे पास में हैं तो हम तेल घर पे क्यों ना बना लें तो बस जो चीज़ आप कर सकते हैं वो चीज़ आप करिए है, है ना तो यहाँ पर जो हमारा तेल है कम से कम 25 से 20 मिनट का टाइम लगेगा दूसरी तरफ भी मैंने दूसरा तेल जो है वो रख दिया ये देखिए ब्लैक कलर के पैन में है और वो स्टील के पैन में है ठीक है मैं यहाँ पर पाँच सौ ऑयल बना रही हूँ जो कि मेरा दो हफ़्ते आराम से चल जाएगा ढाई ढाई सौ क्योंकि मैं हमेशा चेंज कर कर करके ऑयल लगाती हूँ एक हफ़्ते दूसरा एक हफ़्ते दूसरा तो बस बीच में मैं अपना कोई भी ऑयल दूसरा यूज़ कर लूँगी और यहाँ पर ये ऑयल मुझे बहुत पसंद आया इतना अच्छा लगा कि मैं आपको बता नहीं सकती इसलिए मैंने इसको ज़्यादा बनाया है आप लोग इस ऑयल को तीन महीने कंटिन्यू रखें और तीन महीने के बाद आप खुद भी देखेंगे अपने बालों में फ़र्क आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक हफ़्ते आपने दूसरा ऑयल लगा लिया दूसरे हफ्ते दूसरा या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि तीन महीने इस ऑयल को यूज़ किया तीन महीने के बाद आप चेंज कर दें क्योंकि देखिए ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत करें क्योंकि प्रॉब्लम भी बहुत होती हैं 20 से 25 मिनट बाद आपको मीडियम फ्लेम पे पकाना है इस तेल को उसके बाद छान लेना है ठीक पहली ही कटोरी का ये तेल था अब हमने जो दूसरा प्रिपेयर किया था दूसरे पैन में ये दूसरी कटोरी का तेल है ठीक है अच्छे से इसको पैन से आप छान लीजिए छानने के बाद से हम इसमें ऐड करेंगे अपना फेवरेट मेरा ऑल टाइम फेवरेट जो हमारे बेबी हेयर आएंगे रिग्रोथ होगी उसको लंबा करने के लिए तो यहाँ पर लेवेंडर असेंशर ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ ये थर्टी एम का है अभी ऑफर भी चल रहा है तो आप लोग ले लीजिएगा ब्रांड है सनफ्लावर का तो आप लोग ले सकते हैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर फोर्टी ड्रॉप्स के करीब डाल दिया है असीचर ऑयल सारे ही ऑयल में फोर्टी ड्रॉप्स के करीब अब हमारा जो ऑयल है बनकर रेडी हो चुका है इसको इसको आप लोग किसी भी एयर टाइट कंटेनर में निकाल के रख लें और उसके बाद जितना चाहिए उतना लेकर आप प्रयोग में लें हफ्ते में तीन बार ऑयलिंग so रेडी हो चुका हैं, वर्किंग है तो आप क्या कर सकते हैं हमेशा अपने बालों को वॉश करते समय आपको क्या करना है विंटर में अगर इस पे भी वीडियो चाहिए तो आप लोग जरूर बताइएगा आप लोग के साथ में विंटर में हेयर वॉश क्या करना चाहिए किस तरीके से करना चाहिए और क्या क्या चीजें आप शैंपू में ऐड कर सकते हैं जिससे आपके बालों की ग्रोथ अच्छी हो डेंड्रफ की समस्या कम हो बाल कम टूटे और आपको इचिंग की भी प्रॉब्लम ना हो क्योंकि मेनली आपका जो विंटर के टाइम है ना डेंड्रफ बहुत ज्यादा हो जाता है एक्सेस बहुत ज्यादा मतलब एक्सट्रीम लेवल पर डेंड्रफ हो जाता है जो कि आपकी जड़ों को बहुत ज्यादा कमजोर कर देता है और आपके बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं ठीक है तो इस ऑयल को बनाइए यूज कीजिए इसके जो भी फीडबैक आते हैं वो शेयर जरूर कीजिएगा आज की वीडियो में इतना ही और मैंने ये डिसाइड किया है कि अपने वीडियो में मैं आप लोगों को एक शॉर्ट आउट देना शुरू करूंगी तो आज जिनका सबसे प्यारा कमेंट्स होगा उनको हमारी तरफ से हमारी चैनल के थ्रू शॉर्ट आउट दिया जाएगा उनका नाम बोला जाएगा उनका कमेंट भी पढ़ा जाएगा ठीक है ये स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो से तो आज की वीडियो में इतना ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय लव यू टेक केयर अपना ख्याल रखिएगा और साथ में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो कोई भी बंदा एक कोई भी बंदा मेरी वीडियोस को देख रहा है किसी को कोई प्रॉब्लम है जिनको हम शॉर्ट आउट देंगे वो हमसे नेक्स्ट वीडियो में कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं हेयर रिगार्डिंग एज की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपकी क्या एज है किस तरीके से आपको क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं जिसमें हम आपको सारी चीज़ें सजेस्ट कर सकते हैं कि आपके लिए क्या बेस्ट है ठीक है आज के लिए इतना ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ब बाय लव यू टेक केयर अपना ख्याल रखिएगा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा 美，么。